हिमाचल में आ रही थर्ड वेव को देखते हुए सुजानपुर पुलिस ने भी सुरक्षा एवं एहतियात के मद्देनजर लोगों को जागरूक रहने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बाजार का निरीक्षण कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और लोगों को हिदायत दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा थर्ड वेव को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर निर्देश मिले हैं कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जो नियमावली निर्धारित है उसकी पूरी पालना करें, मास्क लगाकर रखें और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। साथ ही उन्होंने हिदायत दी है कि अगर कोई भी नदी नालों में नहाते या सेल्फी लेते पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि सरकार ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गाइडलाइन जारी करी, थर्ड वेव भी आने की संभावना है, तो हमारा आम लोगों से आग्रह है कि अब सरकार प्रशासन तो लोगों की तरफ से अपील की जा रही है कि जैसे पहले की गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क वगैरह डालें, बिना वजह भीड़ एकत्रित ना करें, दूरी बनाए रखें। अगर जो इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो आपके चैनल के माध्यम से हम पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि नदियों के किनारे ना तो बच्चों को भेजें न स्वयं आए, और कोई सैलानी भी बाहर से आता है तो भी प्रॉपर गाइड करें कि कहाँ पानी बच सकता है, ताकि हमारा किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति ना हो सके। इसलिए आम लोगों से आग्रह है कि जैसा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संभावना जाहिर करी है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो सभी लोगों से विनम्र अपील की जाती है कि पहले की तरह सचेत रहें। अगर पहले प्रभाव को कम किया है तो हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि थर्ड वेव का असर ना होने दें, बराबर नियमों का पालन करें। धन्यवाद।